हमारे देश में हम हमेशा जुलाई अगस्त में एक साइकिल का एडमिशन हम करते हैं, लेकिन पिछले कमीशन मीटिंग में हम ये निर्णय लिया कि अब से इंडिया में सभी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस 2 बार एडमिशन्स कर सकते हैं, एक बार जुलाई अगस्त में और दूसरा जनवरी फ़रवरी में। हमारे देश में हम हमेशा जुलाई अगस्त में एक साइकिल का एडमिशन हम करते हैं, लेकिन पिछले कमीशन मीटिंग में हम ये निर्णय लिया कि अब से इंडिया में सभी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस 2 बार एडमिशन्स कर सकते हैं, एक बार जुलाई अगस्त में और दूसरा जनवरी फ़रवरी में। और इससे हमारे स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होगा, जो जुलाई अगस्त में ज्वाइन नहीं कर पाया इन्होंने जनवरी फ़रवरी सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं, और यूनिवर्सिटीज़ इनका इंफ्रास्ट्रक्चर को एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं, और जो प्लेसमेंट्स होता है हमारा यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में अब 2 बार हम कर सकते हैं, तो ये फैसला से स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होगा। अभी तो हमारा जुलाई अगस्त का रेगुलर एडमिशन शुरू हो जाएगा, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ ए बाय एनुअल एडमिशन प्रोसेस को अडॉप्ट करना चाहते हैं, 6 महीने टाइम तो है, जनवरी में करना चाहे तो, अब हम जून में हैं तो 6 महीने में प्लान करके कर सकते हैं। लेकिन ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मैंडेटरी नहीं है। जो यूनिवर्सिटीज़ के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचिंग रिसोर्सेज हैं, जो अच्छी तरह से प्लानिंग कर सकते हैं, वही यूनिवर्सिटीज़ ए बायनुअल एडमिशन्स को शुरू कर सकते हैं।